बच गए हम लोग, बच गए। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। तो स्टार्ट कर रही हूँ न्यू ब्लॉग, और अब जो जा रही हूँ टेलर के पास, क्योंकि मेरा और मेरी छोटी बहन का बर्थडे एक ही दिन होता है। बर्थडे हम लोग कुछ मना नहीं रहे वैसे, बट ड्रेस हम लोग कुछ भी हो जाए हर साल एक ही पहनते हैं। तो मैंने फैब्रिक लिया है उसके लिए और मेरे लिए, तो वही स्टिचिंग के लिए देना है। एक दिन ही बच्चा है, टेलर भैया से बात हो गई है, वो स्टिच करके दे देंगे। तो वहीं पर जा रहे हैं, तो देर नहीं करते, फटाफट स्टिचिंग के लिए ड्रेस डालते हैं। और जो भी है, जो भी थोड़ा छोटी मोटी शॉपिंग करनी है वो आपको दिखा। आज भैया मुझे शाम तक की ड्रेस दे देंगे, है ना। चलो भैया आज फ्री है भैया एकदम, कभी कल तक तो दे दो, परसों बर्थडे पहनना है। और दो ड्रेस है, आगे है। मैंने तो रोल और चाय पी थी, मैं तो मेरा खाना हो गया है। और ये मैंने बिरयानी कल ऑर्डर की थी फ्रॉम नुकेर केटर्स, जो कि अब तक हम खा रहे हैं। उनकी क्वांटिटी इतनी होती है ना, एक किलो मंगवाई थी फिर भी इतनी बची है। बट मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे गैस पे गरम करके खाती हूँ, ट्रस्ट मी, बासी बिरयानी जो है ना इसका अलग ही मज़ा है। किसको किसको पसंद है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बट ये अभी मैं मेरे लिए नहीं गरम कर रही हूँ, मैं 12 एक बजे मुझे भूख लगेगी एडिटिंग करते वक्त, तब मैं ये खाऊंगी। अभी तो जोया और अनार को दे रही हूँ। आ चुकी हूँ घर पे। आज ना स्ट्रीट शॉपिंग में मज़ा आ गया, आज बहुत ही अच्छी अच्छी और बहुत ही सस्ती चीज़ मिली मुझे। एक्चुअली मुझे डेली वेयर के लिए पैंट्स लेने थे, पैंट्स बहुत ख़राब हो गए थे, तो बहुत ही प्यारे प्यारे पैंट्स है, साइड पॉकेट्स है, यहाँ पे भी पॉकेट है, वहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी पॉकेट है, यहाँ पे भी पॉकेट है, दोनों साइड पॉकेट है, मतलब इसमें चार पॉकेट्स है, वाह। और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छे पैंट्स है। तो मैंने इसमें ये कलर लिया है, मरून लिया है, ब्लैक लिया है और ब्राउन जीन्स ली है, बहुत ही प्यारी। और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि स्ट्रीट पे से लिए तो क्वालिटी ख़राब है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसमें मैंने ब्लैक भी ली, लेकिन जोया ने चोरी कर ली। मैं कुछ भी चीज़ लाती हूँ ना, तो सारी चीज़ें उसके पास चली जाती है, क्योंकि हम दोनों का सेम साइज़ है, तो वो रख लेती है, तो कोई बात नहीं, मैं भी पहनती हूँ, वो भी पहन लेती है। और विंटर कलेक्शन का जो मुझे आज तीन वो मिले ना, ब्लेज़र बोल लो या फिर कोट, क्या बोलते हैं शॉर जी, कोट वगैरह, बेस्ट मिले, मैं तो इतनी खुश हूँ ना उसका, क्योंकि मैं ना, मेरा जो विंटर कलेक्शन है स्वेटर्स वगैरह, 5-6 साल से वही 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 पहनते आ रही थी। इस साल मुझे ना अभी नया लेना था विंटर के लिए, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा। प्राइस सुनेंगे ना आप हैरान हो जाएंगे इसका, पहले आप देख लीजिए, ये ऐसा थोड़ा ग्लिटरी है इसका, ये लॉन्ग है कोट स्टाइल, बहुत ही प्यारा है। जब मैं पहनूंगी तब ऑब्वियसली आप लोगों को दिखाऊंगी, आप देख सकते हो लॉन्ग है एज अ कोट, ये पहन सकते हैं, बहुत ही प्यारा। ये एक लिया है, सेकेंड जो है वाइट एंड ग्रे है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, कोट स्टाइल है इसका, देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है ये भी।
मेरा तो ऐसा था कि सभी उठा के ले लूं, बट कैसे ना साइज इश्यूज हो जाते हैं, साइज मिलते नहीं है सही से। जो जो मेरे साइज के मिले दो तीन मैंने उठाकर लेकर आई। और ये देख सकते हो कितना प्यारा लॉन्ग है। अभी विंटर्स आने ही वाले हैं तो मैं सोच रही हूँ एक एक करके ऐसे लेके रख देती हूँ। और इतना सस्ता मिला है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। नहीं बता ही देती हूँ, बता नहीं सकती, नहीं बता ही देती हूँ आप लोगों को। ये जो है एक मुझे मिला है, गेस करने बोलूँ यूट्यूब फैमिली को, गेस करने बोलूँ, क्या बोल दूँ, गेस करने बोलो, गेस करने बोलूँ, फिर नेक्स्ट देखते हैं ना पे। किसका कितना परफेक्ट आता है करके। परफेक्ट अच्छा भी नहीं तो नियर अबाउट। तो मुझे बताओ ये विंटर कलेक्शन का एक कोट मुझे कितने में मिला होगा, और जिन्होंने भी सही प्राइस बताया ना तो उनका जो कमेंट है ना उसको पिन किया जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलेगा। तो आप लोग ज़रूर बताना इसका प्राइस क्या है, बट अगर इसका प्राइस बहुत कम है, मैं आप लोगों को हिंट देती हूँ बहुत ज़्यादा कम है। क्या रहने देना, बहुत ज्यादा हिंट कम देना बोला तो तुम मैं लोगों शॉर्ट के। जी, ऐसे नहीं हाँ मेरी ठीक यूट्यूब है, फैमिली को मैं ऐसे सता नहीं सकती। इसका हाँ प्राइस बहुत कम है, मतलब मैं चाहूँ ना सब ले लेती, बट मेरे पास है ना रखने का प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। मुझे रखने के लिए बहुत इश्यू होता है क्योंकि मेरे पास दो लड़कियाँ ऑलरेडी है, फिर मैं हूँ, आप समझ सकते हो जो घर में ज्यादा लड़कियां होते हैं ना उनको वार्डरोब भी कम पड़ जाता है। तो इसलिए मैं बहुत सोच समझ के कपड़े लेती हूँ। कल हम गए थे केपी में, ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी, एक जो सैटिन का स्कर्ट है ना, लॉन्ग स्कर्ट जो जोया को बहुत पसंद आया था, उसका प्राइस ही 1600 या 1700 का है। जो नॉर्मल सैटिन का फैब्रिक मिलता है मेरे ख्याल से 50-60 रुपये मीटर, वो मिल 2.5 मीटर में या फिर 3 मीटर में बहुत ही अच्छा फ्लेयर वाला स्कर्ट बन सकता है। तो जोया जिद कर रही थी, मम्मा यही दिलाओ, मम्मा यही दिलाओ। तो मैंने उसको बोला कि बेटा तुम अभी सिर्फ टॉप ले लो, टॉप पसंद आया तो वो ले लो, स्कर्ट मैं बनवा के दे दूंगी। तो मैंने कल उसको फैब्रिक लिया, और कितना मीटर लिया अपने शोर जी, 3 मीटर ना फैब्रिक, 3 मीटर सैटिन के फैब्रिक में अच्छे से अच्छा, मेरे जो टेलर भैया है वो अच्छे से अच्छा फ्लेयर वाला वो स्कर्ट सियेंगे, जो कि जोया, हाँ अच्छा, जो कि जोया मीटअप में पहनने वाली है। और टॉप वो नहीं दिखा रही क्योंकि वो बोली मम्मा सरप्राइज रहने दो, तो इसलिए टॉप नहीं दिखा रहे। उसके नीचे वो ब्लैक सैटन का जो है ना फ्लेयर वाला स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट पहनने वाली है। तो आपको पता है वो कितने में पड़ा है, 600 में। कहा वो लोग 1700 और 2000 में बेच रहे हैं स्कर्ट, हाँ सिर्फ स्कर्ट की बात कर रही हूँ, वो लोग इतना महंगा बेच रहे हैं। मैंने 600-700, कितना, 600 600 रुपये में सिलाई को पकड़ के, हाँ तो सिलाई को पकड़ के 600-700 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 700, चलो पेट्रोल का भी उसमें लगा दो, पेट्रोल का भी लगा दिया मैंने, तो 700 रुपये में अच्छे से अच्छा लॉन्ग स्कर्ट और बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला फैब्रिक। तो आप सोचिए कि मतलब कितना मार्जिन रख के लोग दुकानों में बेच रहे हैं, मुझे तो बहुत वो हो रहा है। अगर ये भी अगर लेने जाओ ना ये सब चीज़ें, और मेरा कैसे ना, मैं बहुत बार कपड़े नहीं पहनती हूँ, मैं एक बार पहन लूँ, दो बार पहन लूँ, तीन बार पहन लूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं पहन पाती। तो इतना महंगा लेके फ़ायदा नहीं है, मुझे वो वेस्ट ऑफ मनी लगता है। इसलिए मैंने जोया के भी, शॉर्ट जी के, इनफैक्ट शॉर्ट जी के पैसे बचाए, पीछे है वो कैमरे के, बताओ मैंने बचाए कि नहीं आपके पैसे। वही ना, लोग बोलेंगे कितनी कंजूस बीवी है इनकी, कितना कुछ ये है। मैं कल देख कर आई ना, मैं हैरान हो गई, सिर्फ टॉप और जो स्कर्ट है वो 3500-4000 में वो पूरा सेट आ रहा, तो मतलब ही नहीं है यार, इतना पैसा वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। जोया भी दो तीन बार पहनेंगे हो गया, डन कर दो, उसको कुछ मतलब ही नहीं। तो यही है कि अगर आपके पास भी थोड़ा बहुत दिमाग है ऐसा, तो आप लोग कुछ देख रहे हो तो अपना दिमाग लगा के फैब्रिक लेकर स्टिच करवा लो, वो उसमें आपके पैसे बचेंगे। ये रहा मेरे तरफ से फ्री में टिप। वही तो मेरी पूरी ऑपोजिट थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग ऐसी है कि हाँ बाबा जाके ले लो रेडीमेड, खत्म कर दो, नहीं इतना क्यों ये करते हैं, क्या फैब्रिक लो, जाओ टेलर के पास, फिर स्टिच करो, फिर तो आप ही सोचो ना कितना पैसा फिर बचा, वैसे सात यार। सौ और 1700 में कितना फर्क है, हाफ टू हाफ प्राइस मैंने आपका कंजूस बचाया। बीवी है मेरी, बहुत कंजूस कंजूस बीवी नहीं है। है, दिमाग वाली बीवी है। हाँ इतना महंगा लेके मुझे कुछ वैसे भी मतलब ही नहीं था। और जो ये आपको पता है कि कितना टाइम पहनती है, ज्यादा ठीक है, मैं पहनती एकदम ऑपोजिट हो गए, मुझे स्ट्रीट है। कल शॉपिंग शोहर जी बिल्कुल नहीं बहुत पसंद। मतलब इतना गुस्सा कर रहे थे कि नहीं तुम उसको पसंद आया ना तुम ले लो, मैंने सेम वैसा ही उससे भी अच्छी क्वालिटी बना कर दूंगी। तो वैसा ही है, जब आएगा ना तो आपको मैं बताती हूँ, जब स्टिचिंग होने के बाद आएगा तब। तो यही है, दिमाग चलाओ और अपने पैसे बचाओ। शॉर्ट जी कैसे देख रहे चश्मे में से।
तो बस ये था मेरा आज का शॉपिंग। और ये भी पैंट्स जीन्स मुझे 500 की मिली, क्योंकि बहुत अच्छा फैब्रिक है, मैं हमेशा वहाँ से ही लेती हूँ, जो MG रोड के क्लोवर सेंटर के सामने जो पैंट्स वाले रुके हुए रहते ना, उनके पास से ली। और ये भी मुझे 3300 में मिला है। इसका आप लोग बताइए मुझे विंटर कलेक्शन का प्राइस, ठीक है? पेन के तो दिखाओ एक, तो उनको आइडिया भी तो आ जाएगा। कौन सा पेन? पिंक, पिंक ब्लैक वाला पेन लो, पिंक वाला तो लॉन्ग है ना वैसे भी। हाँ, तो ब्लैक पेन हो, ठीक है ब्लैक पेन। इसके बटन्स भी आप देख सकते हो कितने प्रिटी, कितने यूनिक और कितने अच्छे लग रहे हैं इसके बटन्स, बहुत प्यारा लग रहा है। और इस पे ये गोल्डन शाइन है ना? हाँ, गोल्डन सिल्वर दोनों शिमर का है। मैं बर्थडे शॉपिंग नहीं कर रही हूँ इस बार, वैसे भी मैंने आपसे कहा ना कि बर्थडे का कुछ है नहीं हम लोग का इतना सेलिब्रेशन का, बट मुझे दिख गया तो मैंने ले लिया, सस्ते की चीज मिली, अच्छी चीज मिल रही तो क्यों छोड़ने का, तो इसलिए मैंने ले लिया। और मेरी नजर जहाँ पे पड़ती है ना अच्छी चीज पे, तो वो मुझे अच्छी लग जाती है। तो आप देख सकते हो पॉकेट्स भी है। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ इतने सस्ते का माल भी पहने तो अच्छी ही दिखती। सस्ते का माल है लेकिन अच्छा है, अच्छी चीज मिली, क्वालिटी है बहुत अच्छी क्वालिटी। मैंने चेक भी की वो इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं, कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, लेकिन कोई डिफेक्ट नहीं, मैंने बहुत अच्छे से चेक कर। लेकिन वाकई में ये भी वहीं से ही लिया है, जहाँ से मैंने पैंट्स लिए ना उसके ऑपोजिट वो भैया रुके थे, बहुत सारा ट्रैफिक था ना रोड था, इसलिए हम लोग शूट नहीं कर पाए, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बस ऐसे है मेरा ये, और जरूर बताना है कितने। तो अब जो है, और वैसे भी मैं इनको लेके जाने वाला था मॉल में, लेके जा रहा था मैं इनको मॉल में ब्लेजर्स लेने के लिए, लेकिन देखो ये ऐसे रहता है। क्या ब्लेजर मॉल में 4-5 हज़ार का, और मैं ज्यादा पहनती भी नहीं हूँ, 2-3 बार पहनती हूँ, क्वालिटी और वो बहुत होता है ना। क्या ये नहीं लग रही है क्वालिटी? हाँ लग रही है, वही अभी तो मैं ऐसे अवतार में हूँ, जब अच्छे से रेडी हो जाऊंगी तब देखना ना, ठीक है? चलो फिर अनाया और जोया को खाना खिलाती हूँ। ओ शनी इधर आओ, क्या कर रहे हो आप? अच्छा कैसे लग रहा है ये बताओ? अच्छा दिख रहा है, मेरी चश्मिश कैसी दिख रही? तो अनु बहुत ज्यादा पढ़ाई में बिजी है आजकल, स्कूल होती है बच्चों की और सामने दोनों ट्यूशन जाते हैं, तो उस टाइम पे फटाफट हम लोगों ने शॉपिंग करके आए। तो बस चलिए दोनों बच्चों को खाना खिलाते हैं। मैं तो रोल और वो खा के चाय वाय पी के आई थी, तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, 2-3 बजे एडिटिंग करने बैठूंगी तब भूख लगेगी, तो मैं बासे बिरयानी गरम करके खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। और बस बहुत सारी बातें कर ली मैंने, अब चलते देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट, और क्या मैं आप लोगों को बता पाती हूँ ब्लॉग में, बता दूंगी इंशाल्लाह। और चलिए चलो उतार के चलो, बिल्कुल ऐसे रहता है जब ज्यादा देर होती है ना। आज बाल बाल बच गए, लेकिन अपन ये मत बोलो, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ, हम बहुत जोर से गिरते गिरते बच गए, पता चला तो वो जो टायर है ना वो अलग हो गया उससे, होता पूरा पंक्चर हो गया तो इसी रहता है वो, ट्यूबलेस रहता है ना, कोई बात नहीं। हाँ। कम से कम कुछ हुआ नहीं है, हम हमारे भतीजे को देखने जा रहे थे हॉस्पिटल में, वो बीमार है, कोई बात नहीं कल भी देखने जा सकते, ठीक है? इतना टेंशन मत, बच गए हम लोग, बच गए, बोलते ना किसी की नई की आड़ आती है वही हो, तुम है ना तुम आज टर्न लिए, हाँ बहुत डेंजर ही हुआ, एकदम से टर्न हाँ। लिए और हम लोग बहुत जोर से गिरने वाले थे, लेकिन शोहर जी ने संभाल लिए और मैं उतरी नहीं, मैं उनको पकड़ के बैठ गई, गिरेंगे तो साथ जिएंगे तो साथ, सब चीज़ें साथ साथ करें, ठीक है? और कुछ नहीं, क्या हुआ? अभी तो वो दिमाग में घूम रहा है, वो नजर में वही है, टेंशन नहीं लेने का मेरे को, मेरा कुछ नहीं है, तुम गिरते तो कितने में जाता, उसमें कुछ वो टेंशन रहता है, बाकी कुछ नहीं है, आप गिरते तो कितने में जाता, वो चल जाता, मुझे संभालने के लिए आप है, हाँ तो संभाल लेता मैं, गिरता भी तो संभाल लेता, तुम गिरते तो वो डेंजर हो जाता मेरे, अल्लाह हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। हार्ट बीट तेज हो गई है।
फाइनली आ गए हैं। कैसे वैसे बाहर बारिश भी हो रही थी, फिर पंचर, मतलब आज ही सब कुछ होना था और जाके आ गए हैं। इनका जो भतीजा है वो एडमिट था तो उनको देखने गए थे, फिर वहाँ से आए, फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और गेस व्हाट, मैं आप लोगों को किसी से मिलाना चाहती हूँ। ये है रिजवाना दीदी जो कि आए हैं मेहंदी लगाने। 16 साल पहले मेरी शादी के दिन इन्होंने मुझे मेहंदी लगाए थे, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि, और आज जो है आज खुद वो ही आए हैं मेहंदी लगवाने। थैंक यू मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं तो आज बहुत एक्साइटेड थी बट आज तो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई ना, बहुत गड़बड़ हो गई आज। कोई बात नहीं, चलो अभी सुकून से लगाते हैं मेहंदी। और यहाँ पे देखो कौन बैठा है मेहंदी लगाने, है ना, सलाम करो। और संपदा तो आज बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो बस मेहंदी लगाते हैं और बर्थडे के लिए मेहंदी नहीं लगवा रही हूँ, मीटअप होने वाला है, फंक्शन होने वाला है और शौहर जी बगैर मेहंदी लगाए मुझे कोई फंक्शन करने देते नहीं है, तो उसके लिए मेहंदी लगवा रही हूँ। तो चलिए मेहंदी लगवाते हैं। तुमको क्यों आज मेहंदी लगवानी है? हाँ चिटुकली, हाँ एक हाथ में फ्लावर, एक हाथ में मून एंड स्टार। गुड गुड गुड, तुम नहीं कर सकते। वाओ सो प्रिटी, ऐसे करो बेटा, ऐसे रखो। हाँ ऐसे रखने के, आपने फोल्ड किया ना तो वो मिस हो जाएगा। आज मुझे डबल खुशी हो रही है क्योंकि रिजवाना दीदी आए हैं, क्योंकि मेरे लाइफ का सब में अच्छा दिन जो था ना वो रिजवाना दीदी ने ही मेहंदी लगवाए थे। और मैं मतलब इतनी जिद करने लग गई थी ना कि मुझे कुछ भी हो जाए रिजवाना दीदी के हाथ से ही मेहंदी लगवानी है, क्योंकि उनका आप देख सकते हो परफेक्शन, देख सकते हो। पास में लेके आओ। कितने सालों से मेहंदी लगा रहे तुम रिजवाना दीदी? 25 साल से वो मेहंदी लगवा रहे हैं। और सोचो 16 साल पहले भी वो उनकी फिनिशिंग इतनी थी, इतनी अच्छी थी। और रिजवाना दीदी मेरे मुमानी के बहन भी है, सिस्टर भी है, तो हम रिश्ते में भी है, रिलेटिव्स भी है, और बस मिलते नहीं है लेकिन वो बहुत बिजी रहते हैं अपने लाइफ में। दिखाओ पहले उसको, दिखाओ। तुमने कैसी क्या लगाया, तुम तो कभी लगाते नहीं ना। अच्छी लगती। संपदा इतना बिजी शेड्यूल निकाल कर मेरे लिए आए, थैंक यू सो मच। आप तो संपदा को जानती हो गए, पिछली बार भी इसने मेहंदी लगाई थी और आज उनका कुछ पूजा था तो भी इतना हैक्टिक टाइम निकाल कर आए। और आप देख सकते हो लुक पे से ही समझ में आ रहेगा लेकिन बहुत प्रिटी दिख रहे हैं माशाल्लाह। तो बस जाओ आप शॉर्ट जी, अभी फिर जल्दी से आओ संभाल के जाओ। पापा स्लिप मत करो गाड़ी, ठीक है। इस बार थोड़ा यूनिक डिजाइन निकाले हैं, पीकॉक फेदर। कैसा लग रहा? वेरी प्रिटी। क्यों लेकिन संपदा का वेज आ रहा है, वो वेज खाएगी, इसने शॉर्ट जी वेज लेने गए हैं। और ये रही मेरी कंप्लीट मेहंदी इस साइड से। आंटी भी आए हैं मेरी हेल्प करने। मैं वही सोच रही थी अभी रिजवाना दीदी को खाना कौन सर्व करेगा, तो हमारा ना दिल का कनेक्शन है, वो समझ जाते हैं मुझे उनकी जरूरत है तो आ जाते हैं। इतनी पतली हो रही हो, इतना काम है तुमको अभी। आज ऐसे लग रहा है कि कुछ मेहंदी का फंक्शन है ना। अच्छी कैसी लगी आपको शॉर्ट जी? नो डाउट थोड़ी यूनिक है ये, थोड़ा ऐसा फेदर वाला लुक है, अच्छा है ना।
आपके बोलने पे लग रही हूँ, वरना इस बार बिल्कुल मन नहीं था। आप लोग है ना मेरे को जबरदस्ती काम करवाते हो। तुम्हारे हाथ वैसे ही अच्छे लगते हैं बिना मेहंदी के। नहीं हाँ तो देखो रिजवाना दीदी हर हफ्ते आके लगा के जाओ, ठीक है? ये जाएगी तो फिर दूसरी आएगी, ठीक है? हम तो भागते भागते आएंगे। थैंक यू आपको लगाने के लिए। बहुत स्वीट है यार। और क्या चाहिए लाइफ में, इतना प्यार मिलता है ना सब लोगों का, और क्या चाहिए? कुछ भी सेटिस्फाइड है मेरा, मेरा जो सोल है ना वो सेटिस्फाइड है, इतना प्यार देखो। और आंटी के साथ तो मेरा ऑलरेडी कनेक्शन है। अचानक आ गया मैं जब भी लो फील करती हूँ ना आंटी को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, और वो आते ही आते हैं। दिल का कनेक्शन है। अभी जारा को भी मेहंदी लगा, दिखाओ जारा, सो प्रिटी, वाओ आपका ये तो बहुत प्यारा है ये क्लिप, आप बहुत प्रिटी लग रहे हैं। हाँ जरा स्माइल करो यहाँ पे देख के, आप फिर टीवी में दिखोगी। कल बोल रही थी मैं दिखेंगे, अभी दिखोगी, ठीक है? अब्बा दिखे बोले। थैंक यू सो मच, आते रहो, ठीक है? लेकिन खाना बहुत कम खाया है। और अगर आप लोगों को भी बहुत अच्छी मेहंदी लगवानी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका पेज, इंस्टाग्राम पेज दे दूंगी। कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो बहुत कॉल्स आ जाते हैं, तो DM कर लीजिए आप इंस्टाग्राम पर, तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है? इंशाल्लाह तो अगर पुणे में जो भी रहते हैं जिनको भी मेहंदी लगवानी है तो लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगाते हैं। मैंने वही कहा ना कि मेरे शादी की मेहंदी रिजवाना दीदी ने लगाए, तो सोचिए आप कितनी अच्छी रहेगी। तनु की भी देखो, वाह वाह वाह। तो चलो आते रहो, टाइम निकालो हमारे लिए, इनके पास टाइम नहीं होता है। नहीं जरूर निकालेंगे, संभाल के जाओ। थैंक यू चलो यही पर एंड करती हूँ इंशाल्लाह मीटअप का और मेरे बर्थडे का जो भी है। वैसे तो मैंने कितना सोची थी कि मैं कुछ नहीं करूंगी इस बार बर्थडे के लिए, बट ये लोग है ना जो मेरे साथ इतनी मोहब्बत करते हैं ना, ये लोग मेरे को भूलने भी नहीं देंगे और मेरे को आखिर में सब करके रहेंगे। अब क्या कर सकते हैं, इन लोगों की खुशी के लिए मैं हाजिर हूँ। और मेरी बहन का भी बर्थडे है तो फिर साथ में ही इंशाल्लाह कल हम लोग सोच रहे हैं डेट पे चले जाएं मैं और मेरी बहन, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कभी हमको ये मौका नहीं मिलता है। हमारे लिए बर्थडे जो ये हमने खुद को ही ये गिफ्ट दे देंगे क्योंकि हम दोनों को ना कहीं पे अकेले जाने नहीं मिलता है, इसलिए मैंने और मेरी बहन ने, छोटी बहन ने सोचा है कि हम इकट्ठे एक डेट पे जाएंगे, एक दो घंटा साथ में बिताएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बस खत्म, मतलब यही चाहिए हमको। और कुछ नहीं चाहिए, बस अभी खाना खाते हैं। ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।